और पकौड़े एक अनडिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन पकौड़े थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हो जाता है। तो आज की हमारी रेसिपी थोड़ी सी चटपटी और थोड़ी सी अलग है। हमारी रेसिपी है स्टफ्ड स्पिनच बाइट्स। स्टफ स्पिनच बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में पानी गरम करने के लिए रख दीजिए। और आइए, इन द मीन टाइम मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप मैश एंड बॉइल पोटैटो, 1/4 कप कॉर्न, ये मैंने घर पर बॉइल किया है, जो भुट्टा आता है आप उसे बॉइल कर लीजिए और ये निकाल लीजिए दाने, 1.5 टेबलस्पून ऑफ मैदा एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है एंड 1 टेबलस्पून ऑफ होममेड सेशवन चटनी मैंने ली है। और सेशवन चटनी की मैं रेसिपी आपको अपने चैनल पर जल्द ही बताऊंगी। और यहाँ पर ये जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, ये मैंने स्पिनच ली है, अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ स्पिनच। आप अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। पानी उबल चुका है और इसके साथ ही आपको एक बड़े पैन में ठंडा पानी रखना है और स्ट्रेनर आपको रखना है, टोंग्स आप रेडी रखिएगा और ये वाला इस तरीके का स्ट्रेनर भी आप रेडी रखिएगा। पानी उबल गया है, इसके अंदर आपको ये जो स्पिनच है ये डालनी है। इसको आपको सिर्फ 20-30 सेकेंड्स के लिए रखना है, गैस आप बंद कर दीजिए और आप तुरंत इन लीव्स को इस ठंडे पानी वाले पैन में ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये आप इमीडिएटली इसमें से निकाल के इस स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे और ये पानी इसका ड्रेन होने दीजिए। जब तक इसका पानी ड्रेन हो रहा है, हम जो ये फिलिंग की मिक्सचर है ये रेडी कर लेते हैं। इसमें हमने कॉर्न सेशवन सॉस और ये पोटैटो सॉल्ट जो है आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। जस्ट रिमेम्बर कि जो सेशवन चटनी है उसमें भी सॉल्ट है और जो पालक होता है वो उस थोड़ा सा सॉल्टी रहता है, तो आप जब नमक डालें तो उसकी आप क्वांटिटी उस हिसाब से डालिएगा। पानी निकालने के बाद इसको जो है आपको मिक्सी में चर्न करना, जस्ट फॉर 2-3 सेकेंड। उसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, ये इस तरह का कोर्स हो जाएगा। इसके अंदर आपको जो है ऐड करना है लिटिल बिट ऑफ काले मिर्च पाउडर। सॉल्ट हम अवॉइड करेंगे क्योंकि सॉल्ट अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। एंड वी विल ऐड दिस कॉर्नफ्लावर एंड मैदा का जो हमने बना रखा था मिक्सचर, और इस तरह से इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। हमारा जो है स्पिनच वाला मिक्सचर रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको इसकी फिलिंग करनी है। आप इस स्पिनच मिक्सचर को जो है इक्वल साइज स्मॉल बॉल्स में डिवाइड कर दीजिए लाइक दिस। इन बॉल्स को आप इस तरह से फ्लैटन कर दीजिए, ये देखिए। अब उस फ्लैटन बॉल में आपको ये थोड़ा सा मिक्सचर डालना है इस तरीके से एंड जेंटली इसको आप कवर कर दीजिए, रैप कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए हमारी जो बॉल है वो रेडी है। तो इसी तरीके से आपको जो है सारी ये बॉल्स रेडी कर लेनी है। इसके लिए आप पहले जो इक्वल साइज्ड बॉल्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, फ्लैटन करिए। फ्लैटन करने के बाद इसके अंदर आपको मिक्सचर डालना है, रोल करना है एंड उसके बाद जो है हम इनको डीप फ्राई। ये हमने सारी स्पिनच बाइट्स जो है रोल करके रखी हुई है। जब तक मैं ये रोल कर रही थी, इन द मीन टाइम मैंने पैन में जो है ऑयल गरम कर लिया था। लेट्स चेक कि तेल गरम हुआ है या नहीं। ये देखिए तेल बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम इनको जो है पैन में इसको जो है आपको हाई फ्लेम पर फ्राई करना, बिकॉज जो ऑलरेडी है इंग्रीडियंट्स वो कुक्ड हैं, तो हमें जो है ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। टर्न कर दीजिए।
ये जो हमारी बाइट्स हैं ये रेडी हो गई हैं बिकॉज इसका कलर जो है चेंज हो गया, ये हमको ब्राउन नहीं करनी है। ये हमारी बाइट्स रेडी हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए खबर सफर पर। थैंक यू वेरी मच।